सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बंगाली लाइफस्टाइल विद मेघा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हो सकता है आप लोगों को नॉइज सुनाई दे, मैं पहले फैन को ऑफ कर लेती हूँ। और इतना ज्यादा गर्मी हो रही है ना कुछ दिनों से, शाम के टाइम में बाहर थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन घर के इतना गर्मी लग रही है, इतना गर्मी लग रही है। वेदर चेंज हो रही है ना, अभी विंटर आने ही वाली है, तो अभी इसके वजह से बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम भी हो रही है। तो जो भी हो, मेरा तो नसीब नहीं है कि मैं फैन ऑन करके अच्छे से आराम से आप लोगों से बात करूं। अगर फैन ऑन रहेंगे तो मैं जो भी बोलूंगी आप तक कुछ भी नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ घर 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 ऐसे साउंड सुनाई देंगे। तो अभी फिलहाल बज रही है 7:30, शाम के टाइम हो रही है, और मैं और मम्मी गए थे बाहर, थोड़ी खराब ना हो जाए, ये देखिए इधर पे लग गई। तो थोड़ी देर पहले करीबन 6:30 बजे मैं और मम्मी गए थे बाहर। हमारे घर के सामने एक छोटी सी मार्केट टाइप एरिया है, मतलब उधर पे कपड़े से लेके कॉस्मेटिक्स की चीजें, आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो, कॉस्मेटिक्स की चीजें, फास्ट फूड, मतलब सब कुछ उधर पे मिलते हैं थोड़ी बहुत। तो शाम के टाइम में आज मैं फ्री थी तो मुझे लगा चलो मैं क्यों ना बाहर होके आती हूँ, मम्मी को भी थोड़ी सी घुमा के लेके आती हूँ। तो इसलिए मैं और मम्मी गए थे, और उधर से आते वक्त जो है थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स की चीजें, और मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है नेल पॉलिश मैं लेके आई हूँ, और ये वाला कलर मैंने लगाई है। आप लोगों को कैसे लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है? ये डार्क वायलेट कलर है और ये वाला रेड कलर है, तो ये बाद में कभी किसी दिन लगाऊंगी। और ये हुडा व्यू तो लिखी तो हुई है, बट मुझे पता नहीं ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, क्योंकि 50 रुपीज करके मुझे लगी है एक एक करके। तो जो भी हो, अभी तो आप लोगों को पता ही है फेस्टिवल सीजन है, बंगाली की सबसे बड़ी जो फेस्टिवल होती है ना दुर्गा पूजा, वो आने करीबन 20 दिन बाकी है दुर्गा पूजा के। तो सारे बंगालीज के लिए बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है, सबसे बड़ी फेस्टिवल। तो स्किन केयर, हेयर केयर तो बनती ही बनती है। आई थिंक बाहर कोई बुला रही है, शायद कोई कस्टमर आई है। मम्मी नीचे कस्टमर को लेके जाएंगे, मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाना है, आई थिंक कोई कपड़ा या फिर कुछ लेने के लिए आए होंगे। तो जो भी हो, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। तो फेस्टिवल सीजन है तो इसलिए हम लोगों को ग्लोई स्किन बहुत ग्लो करेंगे, फेयर थोड़ी सी दिखेंगे, क्लियर रहेंगे फेस। तो ये बहुत ही हर एक लड़की, बच्चे हो बड़े हो, सभी चाहते हैं। तो बच्चे के लिए भी फेशियल आप घर पे किस तरीके से कर सकते हो, हेयर पे आप लोग घर पे किस तरीके से केयर ले सकते हो, सिल्की शाइनी हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेट दिखे, तो अगर आप लोग चाहते हो तो वो तो मैं घर पे होम रेमेडीज करूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। और आज जो है, मैं दोपहर में लंच बनाई थी मैं खुद से ही रेस्टोरेंट स्टाइल में, पॉम्फ्रेट फिश बहुत ही अच्छे हुए थे खाने में, तो मम्मी ने तो कहा बहुत अच्छी हुई है, तो वो रेसिपी मैंने वीडियो तो कैप्चर करके रखी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है जो मुझे अच्छी लगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। तो ऑफकोर्स मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि शायद कोई कस्टमर आए हैं। 1 सेकेंड, सो हाँ गाइज, अभी नीचे कोई कस्टमर आई है तो मुझे जाना होगा, क्योंकि मम्मी अटेंड नहीं कर पाती उतना खास, तो मुझे जाना है। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक दोपहर में जो मैं पॉम्फ्रेट फिश की रेसिपी बनाई थी रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो आप लोग देख लीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट। लंच प्रिपेयर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में आप सभी को साथ लेके, और आप लोग देख सकते हो मैं फिशेस को अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ सबसे पहले। और ये जो फिश है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिश में से एक है, क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा एक फिश होती है, एंड इसके अंदर स्मेल भी उतना ज़्यादा नहीं होते और कांटे भी बहुत कम होते, तो ये वाला फिश मुझे बहुत पसंद है और ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। और अगर आप लोग फिशेस खाते होंगे तो आप लोगों को तो इसका नाम पता ही होंगे, इसको पॉम्फ्रेट फिश कहते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, अभी मैं प्लेट में उतार लूँगी, देन मैं इसको नाइफ से जो है बीच बीच में से काट लूँगी, ताकि जो भी मसाले से मैं मैरिनेट करूँगी इस फिश को, उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से अंदर चली जाए। तो देखिए मैं किस तरीके से बीच में से काट रही हूँ।
अभी मैं पॉम्फ्रेट फिश को मैरिनेट करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर पे आप लोग देख सकते हो अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिली ऐड कर दिया है एंड इसके अंदर मैं थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दूंगी एंड अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। इसका क्वांटिटी मैं बता देती हूँ मिक्स करने के लिए, एक टीस्पून अदरक पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन की पेस्ट और एक टीस्पून मैं इधर पे ग्रीन चिली पेस्ट को एक साथ में कर लूंगी। उस हिसाब से आप लोग बना लेना। और आप लोग देख सकते हैं इधर पे मैंने सब कुछ ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड नमक एंड सरसों का तेल। इन सारी चीज़ों से मैं सारे पॉम्फ्रेट फिशेस को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मैरिनेट कर लूँगी। एंड उसके साथ आपको लेमन भी चाहिए होगा, ठीक है। मैरिनेट करने से पहले इस तरीके से मैं लेमन दे रही हूँ, एक मैंने पूरा लेमन इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी मैं इन सारी चीज़ों से अच्छी तरीके से फिशेस को मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दी थी और कढ़ाई गर्म भी हो चुकी है। अभी इसके अंदर मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये पूरा रेसिपी मैं सरसों का तेल में ही बनाने जा रही हूँ और जब तक ना तेल गर्म हो जाए तब तक मैं वेट करूँगी। और इधर पे फिशेस भी सारे मेरी रेडी हो चुकी है, मैरिनेट करके मैंने रख दी थी, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अभी तेल भी गर्म हो चुकी है, अभी मैं सारे फिशेस को फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत डीप फ्राई नहीं करनी है, हल्का सा फ्राई करनी है क्योंकि ग्रेवी में ज़्यादा फ्राई अच्छा नहीं लगती है टेस्ट। जब तक मैं फिशेस फ्राई हो जाती है मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो फर्स्ट जो कप है उसके अंदर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड जीरा पाउडर को मैंने पानी के साथ मिक्स करके रखा है। उसके बाद के जो कप है उसके अंदर में जो रेडीमेड सरसों का पाउडर होती है ना, सरसों सीड्स की जो पाउडर होती है उसके साथ में पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है नमक एंड थोड़ी सी रेड चिली पाउडर के साथ। तो ये चीज़ मैं यूज़ करूँगी ग्रेवी में। उसके साथ आप देख सकते हो प्याज मैंने 2 काटा है, काट के रख दिया है। और लेमन मुझे यूज़ करनी थी वो वाली मैरिनेट के लिए, वो मैंने यूज़ कर लिया है, ये एक्स्ट्रा बची हुई थी। और इधर पे अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिली को मैंने कद्दूकस करके रखा है, ये मुझे चाहिए होगा ग्रेवी बनाने के लिए। और इधर पे मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ी 2 से 4 मैंने ग्रीन चिली काट के रखी है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि रेड चिली मैं सिर्फ कलर के लिए यूज़ करती हूँ, तीखापन के लिए मैं ग्रीन चिली इस्तेमाल करती हूँ। और इधर पे धनिया लीव्स भी मैंने काट लिया है और एक टमाटर भी है मैंने काट के रख दिया है। और इस तरफ मेरी फ्राई करना भी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, डीप फ्राई नहीं किया है। और अभी थोड़ी सी इसी ऑयल के अंदर और ऑयल ऐड कर दूँगी और फ़ौरन में मैं दूँगी कलौंजी और सूखे लाल मिर्च में ऐड कर दूँगी। फ़ौरन देने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, 2 प्याज जो मैंने काट के रखी थी। अभी 1 से 2 मिनट थोड़ी सी सॉटे कर लूँगी, देन नेक्स्ट जो मुझे देना है वो मैंने ऐड कर दूँगी। अभी मैं इसके अंदर कद्दूकस करके जो मैंने रखी हुई थी अदरक लहसुन एंड उसके साथ ग्रीन चिली वो भी मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से मैं सॉटे कर लूँगी, एक साथ मिक्स कर लूँगी। टोटल क्वांटिटी में बता देती हूँ ग्रेवी में मैं कितना अदरक लहसुन डाला है, 2 टीस्पून के आसपास, उस हिसाब से आप लोग कद्दूकस कर लेना। 1 मिनट के बाद मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया के लीव्स एंड उसके साथ जो ग्रीन चिली थे वो भी। और आप लोग चाहे तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वाली रेसिपी में पहले से मैं ऐड कर रही हूँ ताकि पूरे ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से एक फ्लेवर आ जाए धनिया के लीव्स की। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें बहुत अच्छे से धनिया पत्ते की भी फ्लेवर आती है। और इसके अंदर अभी मैं ऐड कर दिया है जो हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर की मैंने पेस्ट बना के रखी थी वो मैंने ऐड कर दिया है। कलर कितना अच्छा आया है आप लोग देख सकते हो। और जितना मुझे नमक की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत बार मैंने नमक यूज़ किया है तो इसमें थोड़ी सी मैंने नमक भी इस्तेमाल कर लिया है, आप लोग देख सकते हो।
तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुकी है, ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गई है। अभी इसके अंदर मैं पानी भी ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करने की बस एक ही रीज़न है, ये बहुत बैलेंस लगती है इसका टेस्ट, नमक एंड तीखापन जो होती है और उसके साथ अगर चीनी थोड़ी सी ऐड किया जाए तो बैलेंस लगती है पूरा रेसिपी। लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करना है, और अगर आप लोग नहीं चाहते हो देन आप लोग स्किप भी कर सकते हो। और लास्ट में ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाने के बाद मैं इसके अंदर जो है सरसों का जो पेस्ट बना के रखी थी सरसों पाउडर की, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। पहले ये नहीं देना चाहिए क्योंकि करवाहट आ जाती है अगर ज़्यादा देर बॉयल होंगे तो सरसों का जो पाउडर है पेस्ट है वो, इसलिए मैं लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और अभी इसके अंदर पॉम्फ्रेट फिश को मैं छोड़ रही हूँ और ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुकी है। तो सब कुछ दे देने के बाद मैं 5 मिनट तक अच्छे से उबालूंगी, बॉयल होने के लिए रख दूंगी ताकि इसका ग्रेवी का फ्लेवर भी पॉम्फ्रेट फिश के अंदर बहुत अच्छे से चले जाए, तो ग्रेवी में थिकनेस आ जाएंगे। तो मेरी पॉम्फ्रेट फिश की रेस्टोरेंट स्टाइल पॉम्फ्रेट फिश की करी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप लोग भी ज़रूर घर पे ट्राई करना, और ये रेसिपी देख के आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मत भूलना।